Hello students, today we are going to solve a couple of questions from the exercise 5.7 standard 12th GSE B या फिर CBSE एक ही बोर्ड हो गई अब तो एक ही बुक हो गई अब तो NCERT राइट। तो 5.7 अगर आपको आइडिया होगा तो सेकंड डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होता है राइट। तो वो वाले क्वेश्चंस के साथ हम डील करने वाले हैं, एक या दो क्वेश्चंस मैं विथ मैथड दिखाऊंगा एंड फिर हम फोकस करेंगे कि सॉल्विंग कैसे होता है, क्योंकि मेन अप्रोच वो है। डेकोरेशन तो हम बाद में भी कर सकते हैं राइट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 राइट। तो उसमें बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बहुत ही ईजी वाला सम दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाउ कैन वी राइट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का राइट। तो फर्स्ट टाइम हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एक्चुअली में स्टेप वाइज अगर लिखना होगा तो हर एक को इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन हम दे सकते हैं राइट। इसका रूल है कि u प्लस v होल डैश होता है, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो u डैश प्लस v डैश होता है। स्टार्टिंग में मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, फिर धीरे 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 इसको हम रिमूव करते जाएंगे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी उसको। फाइन, सो यहाँ पे तीनों को इंडिविजुअली अगर इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन की साइन दे दी तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन सी फार्मूला से होगा? आई थिंक सो आपको आइडिया होगा कि एक्स इज टू एन वाली जो फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू एन, दैट इज पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। इसका डेरिवेशन अभी हम नहीं देख सकते, शायद आपकी बुक में दिया होगा राइट। सो इट विल बिकम 2x एंड 3x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 3 कॉन्स्टेंट है एंड कॉन्स्टेंट का 0 होगा यहाँ पे। तो ये हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन हमने 1 टाइम किया विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकंड टाइम अगर हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, x से डिफरेंशिएशन करेंगे सो सेकंड टाइम क्या होगा उसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको y मान लेता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस, तो ये क्या होगा dy बाई dx, बोलने में थोड़ा इजी रहता है राइट। सो उसको दिखाने का तरीका है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, जो न्यू आंसर आया हुआ है उसका और एक बार डिफरेंशिएशन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x एज वेल एज डी बाई डी एक्स ऑफ 3। सो इट विल बिकम ओनली 2, x का तो 1 होगा एंड कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया 2। ये नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े से आपको सॉल्यूशंस नेट पे बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है तो वो तो मिल ही जाएंगे, बट जो क्वेरीज होती है वो शायद मैं दूर करने की ज़्यादा ट्राई करूँगा यहाँ पे। तो आंसर 2 आ गया। तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे राइट, कैसे वो धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे फिर हम देखेंगे। तो सेम स्लाइड मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, बिकॉज और दो क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है यही पेज में से। सेकंड क्वेश्चन इज x इज टू 20 राइट। तो x इज टू 20 को अगर मैंने y एज्यूम किया हुआ है x इज टू 20, मैं एक्स्ट्रा जो स्टेटमेंट्स है उसको अभी नहीं लिख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम पे डिफरेंशिएशन किया, इट विल बी dy बाई डी एक्स, पावर एक आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किया, बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन है तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। तो 20 इंटू 19 इंटू x इज टू 18, पावर और एक कम कर दिया हमने। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अल्टीमेटली वी कैन मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स एंड इट विल बिकम 380 इंटू एक्स इज टू 18, दिस वन इज द फाइनल आंसर। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा क्योंकि u इंटू वी रूल भी लगने वाला है एंड टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। सो y इक्वल टू हमने एज्यूम किया x इंटू कॉस एक्स
फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू इंटू वी रूल लगेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक इसको मैंने यू माना हुआ है, इसको मैंने वी माना, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने अगेन बोला था कि मैं डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने हटा दी हुई है तो आप इजीली फोकस कर सको चीज़ के ऊपर। एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया तो कॉस वैसे का वैसा रहेगा, प्लस इस बार एक्स वैसे का वैसा रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा एंड दैट इज माइनस साइन एक्स। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन होने पे वी गेट दिस वन, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ओके, नाउ इफ वी डिफरेंशिएटिंग इट अगेन, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, राइट, तो दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आया उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है और कुछ नहीं होता है। तो अब जाके मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, राइट, डी वाई बाई डी एक्स का, तो कॉस एक्स का हो जाएगा पहले तो साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स, ये तो हो गया कॉस एक्स का, एंड पीछे जो है उसमें यू वी रूल लगेगा, तो ब्रैकेट करना मत भूलिएगा बिकॉज यू वी रूल में यहाँ पे तो माइनस जनरेट नहीं हो रहा, बट ये जो बाहर वाला माइनस है वो हमें अंदर दोनों को देना होगा, वन बाय एक्स का वन, अगेन इसको हमने यू माना, इसको हमने वो बी माना, ये ख़त्म हो गया यू वी एक बार, राइट, तो एक्स का वन, साइन एक्स का कुछ नहीं होगा, साइन एक्स वैसा का वैसा, सेकेंड टाइम प्लस करके एक्स वैसा का वैसा साइन एक्स का कॉस एक्स। सो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, एंड आई होप हमने कोई गलती नहीं की होगी, हाँ नहीं की है, एंड ये वाला माइनस भी हम अंदर दे सकते हैं, एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स, तो ओके फाइन, सब में से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, टू साइन एक्स कैसे आया यहाँ पे, ओके आई होप आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, तो मैंने अब स्लाइड थोड़ी सी मूव की, फाइन, तो ये हो गया माइनस, कॉमन है एक्स कॉस एक्स प्लस टू टाइम्स साइन एक्स, राइट, ओके फाइन। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है, अगेन हम देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, लॉग एक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इक्वल टू लॉग एक्स, राइट, फोर्थ क्वेश्चन है ये, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन पे मिलेगा लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स, एंड सेकेंड टाइम ये तो इजी है, वन बाय एक्स का डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना पड़ेगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपका काम बहुत ही इजी होगा, नहीं पता है तो यू कैन टेक इट एज एक्स इज टू माइनस वन, फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस वन पावर आ गई एक्स इज टू माइनस वन, माइनस वन एक पावर कम करना है तो माइनस वन एक्स इज टू माइनस टू एंड दिस इज नथिंग बट माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो यूजुअली रिपीटिंग डिफरेंशिएशन के जो टर्म्स है ऐसे उसका डिफरेंशिएशन हम याद रखने की कोशिश करेंगे, फाइन। फिफ्थ वन मज़ा आएगा शायद, लेट्स सी, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इन टू लॉग एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी, दो तीन तरीके है, यू वी डैश प्लस यू डैश वी, राइट, एक्स क्यूब को वैसा का वैसा रखो, लॉग एक्स का हो गया वन बाई एक्स, प्लस इस बार लॉग एक्स वैसा का वैसा होगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, एक पावर मतलब थ्री नीचे है और पावर एक कम हो गई, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स कट हो गया और ये थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, राइट, एक बहुत सारे बच्चे थ्री एक्स स्क्वायर में से मतलब दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने की बात करेंगे, निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, तो अगर यहाँ से दो वे हो गए, एक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ दूसरा मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो दूसरा ऐसा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर कॉमन वन प्लस थ्री लॉग एक्स, तो अब यू इंटू वी रूल में ये यू हो जाएगा, ये पूरा
पूरा हो जाएगा वी, ये एक तरीका हो गया। अदरवाइज सेम रखो तो यहाँ पे इसको यू बोलना पड़ेगा, ये वी हो जाएगा, इसका इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इन दोनों से सेम आंसर मिलने वाला है। चॉइस इज योर्स, राइट। एक्स स्क्वायर का तो डायरेक्टली हो जाएगा, मैं सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूँ उसका, फर्स्ट टाइम फाइंड किया, ये सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर 3 वैसे का वैसा है, एक्स स्क्वायर को सेम रखना है तो सेम रखो पहले, फिर लॉग एक्स का किया 1/x, प्लस 3 तो दोनों में रहेगा ही रहेगा, लॉग एक्स भी सेम रहा इस बार, वी वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर का 2x, सो 2x प्लस 1x कट हो जाएगा तो 3x यहाँ से बना, प्लस 3 2 6x इंटू लॉग एक्स, सो फाइनली 5x प्लस 6x लॉग एक्स। एंड बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि उसे भी यही आंसर आएगा, डेफिनेटली दिखा देते हैं हम। तो ये जो है यहाँ पे, इसको चलिए न्यू पेज पे ले लेते हैं, लेट्स सी। तो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा 1 + 3 log x, तो ये दिखने में बहुत बड़ा है, ना तो 1 का डिफरेंशिएशन होने वाला है ना तो 3 का, 3 एज अ कांस्टेंट उसके सामने पड़ा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एंड 3 वहाँ के वहीं रहेगा, एंड साथ में यह ऐसा हो जाएगा 0 + 3 × 1/x, राइट। 1 का 0 हो गया, 3 वैसे का वैसा, log x का 1/x, ये हो गया यू वी डैश, यू वैसे का वैसा रहा, वी डैश किया, प्लस यू डैश वी, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एंड v वैसे का वैसा, तो ये पूरा वैसे का वैसा लिख दो। ये थोड़ा सा ऐसा था कॉम्प्लिकेटेड आपके लेवल से, इसकी वजह से मैंने इसको बाद में किया, फर्स्ट डायरेक्टली कर दिया। ये 3/x है, ये अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 2x है और ये ब्रैकेट है, सो इट विल बी 2x प्लस 6x log x, सो यू कैन फील दैट कि वही टर्म बना जो पहले हमने देखा हुआ था। ये एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3x प्लस 2x, तो इट विल ऑल्सो बिकम अ 5x प्लस 6x log x, सो यू कैन सी कि आंसर सेम आए दोनों केसेस में, राइट। तो इस तरीके से हम उन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं।